चुनाव की सरगर्मी के बीच लालू प्रसाद यादव ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। दुमका कोषागार मामले में लगाई जमानत की गुहार। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। उन्होंने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है। बता दें कि इस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 7-7 साल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने उक्त याचिका दाखिल की है। बताया गया कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी याचिका में जमानत के लिए यह दलील दी है कि उन्होंने दुमका कोषागार मामले में 42 महीने जेल में गुजारे हैं। इसी आधार पर उन्होंने जमानत मांगी है। लालू प्रसाद यादव ने जमानत के लिए अपनी बीमारी को भी आधार बनाया है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव अभी चारा घोटाला मामले में ही सजा काट रहे हैं। वे बिरसा मुंडा जेल के कैदी हैं। वे अभी अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए रिम्स में भर्ती हैं। लालू प्रसाद पर दुमका कोषागार, चाईबासा कोषागार के 2 मामले, डोरंडा कोषागार और देवघर कोषागार से अवैध निकासी का आरोप है। चारा घोटाले के देवघर मामले में लालू समेत 7 दोषियों को उच्च स्तरीय साजिशकर्ता बताते हुए सीबीआई की अदालत ने 3.5 साल की सजा दी है।